आशीर्वाद दो माँ। उठो बच्चे उठो। शुक्रा, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा तेरे सर पर रहेगा। कामयाब होने के लिए उनका आशीर्वाद लो। लेक्चरर अशोक ने अपने कॉलेज की स्टूडेंट रूपा का बलात्कार करके उसका खून किया है, इस बात का कोई गवाह सबूत नहीं है, इसलिए ये अदालत उन्हें बेकसूर मानते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। क्यों सर, दरवाजा क्यों बंद किया? पढ़ाई करने के लिए। डोंट वरी, तुम डरो मत, फर्स्ट क्लास में पास करा दूंगा। ये बहुत गंदा काम है सर। छी, मैं कॉलेज में जाकर सबको बता दूंगी। सर, सर छोड़िए सर, सर नहीं, नहीं सर, प्लीज मुझे छोड़िए सर। जीत गया मैं। पैसे के सामने कानून भी झुकता है। मजा लूट के उसको फेंक दिया। पैर में कांटा चुभा था, निकाल कर फेंक दिया। रास्ते का कांटा निकाल दिया सर। अभी देखिए सर, आजकल मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। इसके आगे अब जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। देखा ना कैसा खेल खेला मैंने। हेलो हेलो हेलो, ए, क्या कर रहे हो? रोड के बीच में गाड़ी क्यों है? ए, आप है सर? मैं तो डर गया था। ये केस आप जीत कर बड़ा उपकार किया। मैं समझा था कि एक दो बरस के लिए गया अंदर, मगर आपने मुझे बचा लिया, बहुत अच्छा किया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोल देने से काम नहीं चलता, उपकार का प्रति उपकार देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको, मांग के देखिए सर। जो मांगू वो दोगे क्या? मांगे सर, मेरी जान भी मांगेंगे तो दे दूंगा। तो फिर ये लो, अपने आप को शूट कर लो, लो। क्या सर, मजाक कर रहे हैं क्या? ऐ, मजाक करने के लिए तू ही बचाए क्या बे? क्यों रे कमीने, तू एक नंबर का लोफर और टपोरी की औलाद है। मनुष्य जाति के ऊपर कलंक है राक्षस कहीं का। क्या सर? मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भव, गुरु का क्या मतलब होता है जानता है क्या तू? स्टूडेंट का भविष्य लिखना, उसके व्यक्तित्व को निखारना, उसे ज्ञान सिखाकर उसे बड़ी हस्ती बनाना, लेकिन तू उस शिष्य को पढ़ाई करने के बहाने उसकी इज्जत से खिलवाड़ करके उसे गला घोट कर मार डाला। ए! अगर तू जिंदा रहा तो ना जाने कितनी छात्राओं का जीवन बर्बाद करेगा। एक छात्र खराब हो सकता है, लेकिन एक गुरु कभी नहीं। ऐ, तुमने मेरी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भाषण सुनो। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए।
सर, खून हुआ है लेक्चर अशोक का। अशोक, ये मर्डर कैसे हुआ अभी तक पता नहीं चला सर। बॉडी को कवर कर दो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके रिश्तेदारों को खबर कर दो। ओके सर। ओके सर। कॉफी लीजिए। अरे, इतने इंटरेस्ट से अखबार क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें? छोड़ो, कॉफी लो। रुको आरती, देखो दहेज के लालच में टुकड़े टुकड़े करके मार डाला अपनी बहू को उस डॉक्टर शंकर ने। वो जेल से छूट भी गया, उसे निर्दोष साबित करके छोड़ दिया। ऐसा है क्या? पहले तो मैंने सुना था कि उसने मर्डर किया है, ऐसा स्टेटमेंट आया था ना, तो वो इस केस से निर्दोष कैसे छूटा? कोर्ट को तो सिर्फ कमा चाहिए आरती। जो मैं कह रहा हूँ वो तुम सुनो। टुकड़े टुकड़े करके काट डाला मेरे बेटे को उन्होंने, समझे तुम? लव लव करके गरीब लड़की के पीछे पड़ा था वो। दहेज क्या देगा उसका बाप, इसलिए मैंने उसको मार दिया। टुकड़े टुकड़े करके काट डाला उसको, पैसा खर्च करके केस भी जीत गया। वाह डॉक्टर वाह, सुपर, आपने तो जीते जी पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम करने में तो आप एक्सपर्ट है ना? आपके बेटे ने उसके साथ प्यार किया और शादी करके अपने घर लाया। 100 साल तक सौभाग्यवती होके जीने का आशीर्वाद देने के बजाय आप अपने हाथों से उसकी हत्या कर दिए। ये क्या है सर, इस केस में आपने हमारी हेल्प की, अब उल्टे हमें ही मार रहे हैं। तुम एक जान की कीमत जानते हो क्या? जानते हो क्या, बताओ? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? अगर जानते होते तो उसकी इस तरह से हत्या नहीं करते। हमको एक जान बचाने वाला डॉक्टर चाहिए, किसी की हत्या करने वाला खूनी डॉक्टर नहीं। इसी बात को मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जब तुम उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे उस समय कोई आया था क्या? अब तुम्हें बचाने के लिए भी कोई यहाँ नहीं आने वाला। Go!
शुक्ला। मिस्टर सूर्या सर, लेक्चरर अशोक और डॉक्टर शंकर के खून के बारे में कुछ क्लू वगैरह मिला क्या? नहीं सर। व्हाट इज दिस सूर्या? समाज के दो बड़े लोगों का खून हुआ है, इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हायर ऑफिसर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? सर, मैं सारे क्रिमिनल फाइल्स का डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ, जल्दी ही पता चल जाएगा। ओके, डू इट फास्ट। यस सर। लेट अस प्रोसीड। सर, इसका नाम अमीर है, इसने कई खून किए। ये बहुत बड़ा मुजरिम है सर, इसका अपना एक गैंग है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस खून में भी इसका हाथ है। ये है राघु, ये कबड्डी स्टेट का प्लेयर था, अभी भी अंडरवर्ल्ड से मिलकर ऑयल बिजनेस और कमिश्नर बिजनेस कर रहा है सर। सर, इसका नाम हरीश है, किडनैपर, अमीर का सब काम यही संभालता है। सर, ये बुलडॉग है, बम मेकर, शुक्रा, इसका रिकॉर्ड ये है सर। इसका फोटो क्यों नहीं है? सर, इसके बारे में हमारे डिपार्टमेंट में सभी अनजान हैं, किसी भी केस में इसे अरेस्ट नहीं किया गया है सर। शुक्रा। सर, उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसके सभी एरिया में ऑपरेटर्स हैं। सर, वो कैसा है, कहाँ रहता है, वो ही पता करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। वो किधर रहता है और कैसा है? Thank you.
में कभी न विपदा आए, हिम्मत मर्द खुदा, राह चल जो डर जाए, मंजिल अपनी दूर भगाए, भंवर भी उसको डुबा ले जाए, हिम्मत मर्द खुदा, जीता वो है सिकंदर, जीत 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 ले, तेरे सब कुछ है अंदर, जीत 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 ले, हीरो आया रे आया, सुपर हीरो रब ने बनाया, सुपर हीरो दुआएं कहती है, अपनी है राहें न्याय की, राहें राहें सर पे है अपने, सत्य की बाहें बाहें, लड़ना है ईमान वरना है बेईमान, मानो मेरी बात, कभी न डरना किसी से यार, जब को मैंने जीता है यही तो मैंने सीखा है। इन सबको अंदर डालो। ए चलो। नमस्ते सर। सर मेरा नाम नरसिम्हा है। नमस्कार। मैं रियल एस्टेट बिजनेस करता हूँ सर। बैठिए। थैंक यू सर। सर शुक्रा नाम का एक आदमी मेरे को, क्या शुक्रा किधर है वो? पता नहीं सर। सर मेरी जमीन को आधे रेट में कृष्णा जी को देने को बोलता है सर, इनकार किया तो जान से मारने की धमकी देता है सर। सर मुझे बचाइए सर, प्लीज सर मुझे बचाइए सर। शुक्रा अब आप चिंता मत कीजिए, शुक्रा को मैं देख लूंगा। मैंने क्या किया? पुलिस में कंप्लेंट करेगा क्या? वो तुम्हारी रक्षा करेंगे क्या? पुलिस वाले और हम एक ही टाइप के दो मुंह वाले सांप हैं। इस देवराजन की आंख में तुम धूल नहीं झोंक सकते। मारूंगा साले। पेपर पे साइन करा के सीधे ऊपर। मैं नहीं करूंगा। जो करना कर लो, पुराने रेट में तुम्हें जमीन बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। अगर नए रेट में जमीन लेनी है तो ले लो तुम। ओह, तेरे को नया रेट चाहिए क्या? ए शिशो, इसे कैश दे दो। कैश चाहिए? नहीं नहीं सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इनको छोड़ दीजिए, इनको कुछ मत कीजिए सर, कुछ मत कीजिए। सेंटीमेंट, तेरे गले में मंगलसूत्र, तू अगर रखना चाहती है तो तेरे पति के हाथ से इस पे साइन करा दे। देखिए ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं, आप चुपचाप साइन कर दीजिए। चुप रह तू, मैं साइन नहीं करूंगा। साइन कर दीजिए ना। मैंने बोला साइन नहीं करूंगा मैं। इतना बोलने पर भी मान नहीं रहे हैं आप। आपको कुछ हो गया तो मैं बच्चे सब रास्ते पे आ जाएंगे, हमें कोई जमीन वमीन नहीं चाहिए। चुपचाप साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए ना। पेपर लाओ, साइन कर देता हूँ मैं। ये लो। जाइए। भाग इधर से। चलिए जल्दी। भाई शुक्रा। जाता हूँ भाई। सुनिए एक मिनट यही रुकिए, मैं रिक्शा लेके आती हूँ। ठीक है। रिक्शा। लिफ्ट चाहिए क्या? हेलो, ड्रॉप करूं क्या? पीछे की सीट खाली है और मैं भी फ्री। रिक्शा रिक्शा।
हाँ बहन जी। अंधेरी चलोगे क्या? जाऊंगा ना। चलो मेरे साथ। ऑटो आ रहा है क्या? आ रही है। ओहो, ये तो शादीशुदा है। चलो कोई बात नहीं, उठिए। मैं हेल्प करता हूँ। मैं हेल्प करता हूँ ना। कोई बात नहीं। एड्रेस मालूम पड़ गया, अंधेरे में रहती हो ना। बाय। कौन है ये, तुम जानती हो क्या? नहीं जी, वो कोई रास्ते का लोफर है। चलो चलते हैं। सॉरी मैडम। इट्स ऑल राइट। बहुत जोर से लगा क्या? थोड़ा थोड़ा। मैं अच्छी लग रही हूँ क्या? बहुत अच्छी दिखती हो। मुझसे प्यार करते हो? नहीं नहीं। हे सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये तो घर में पूछना पड़ेगा। मुझे इस तरह से लाइन मारने को अपने घर पे पूछा था क्या? क्यों? वो सब जाने दो, पहले तो मुझे किस करो। नहीं नहीं बाबा नहीं। अरे दुनिया बदल गई, कोई हेल्प करो प्लीज। यहाँ एक किस तो। वाओ सो ब्यूटीफुल, मुझे किस करो। उससे क्यों किस मांगती हो? मैं देता हूँ ना। किस दो, किस दो। ऐसे उस पागल से किस मांगती हो तुम? मेरे साथ चलो, किस चाहिए ना। अरे इधर आजा। ए मेरा हाथ छोड़। कहा ना छोड़। ए मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? वाओ, व्हाट अ पंच। तू तो बहुत शरीफ आदमी लगता है, तुझे ये सब शूट करता है क्या? ए तू कौन है रे? I like this punch. Hey, chicken खा के ताकत दिखाने वाले ही मर्द नहीं होते, वड़ा पाव खाने वाले भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। I love his force. हेलो हेलो। हेलो मिस्टर। हाँ इधर आओ। क्या हुआ? DIP डिटेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड राम सिंह मुंबई में आ गया। एनी प्रॉब्लम तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। मर्डर केस, लव केस, फैमिली केस, कुछ भी रहे सॉल्व करता हूँ। सुबह सुबह कैसे इस पागल के दर्शन हो गए। हेलो हेलो मिस्टर सुनो। साला गया साला। अरे मेरे बाप, रोक दे गाड़ी। अरे बाप रोक दो गाड़ी। गधे का बच्चा, सुबह सुबह किसका मुंह देखा पता नहीं। ए भगवान मेरी भी क्या तकदीर है, सुबह सुबह ये क्या हो गया। हेलो मिस,
इधर भजिया मिलता है। ये क्या है? ये बस स्टॉप है, ठेला नहीं। ये फुलंदे में से कम नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, अभी बताता हूँ बेटा। हेलो मिस्टर। यस। अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं भाई? कहीं ये लोग मेरे पीछे तो नहीं है ना? ऐ रुक जाओ सब, हम लोग जिसको ढूंढ रहे हैं वो शायद यही है। अरे कोई मारने का स्टाइल है। चोरी करने वाला ये नहीं है। ये तुमको पहले बोलना चाहिए था। ये कैसा काम कर दिया तुमने? तुम लोगों ने बोलने कहा दिया मुझे? हाँ सॉरी सॉरी। अरे चलो जाओ जाओ, आज बहुत मार खाया मैंने, ना जाने आगे क्या होगा। आइए आइए, गांव में सब चोरी होने के बाद दरवाजे बंद करने के वक्त आ रहे हैं आप लोग। आइए सर, आइए सर, इधर आइए सर। सर ये एक बहुत बड़ा गुंडा है सर, बहुत सारे खून पिए इसने, चाकू छुरी सब लेकर घूमता है, बात बात में बंदूक दिखाता है सर। इसको लेके पहले अंदर जाइए सर, नहीं तो ये कुछ और पंगा कर देगा सर। What do you mean? ये सब क्या है? आई एम DIP, डिटेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राम सिंह बम्बई आ गया है। ये देखो ID कार्ड मेरा, गेट लॉस्ट। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। Shut up. Go out. हमारे साहब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हाँ यार। तेरी अदा में स्वभाव है, तेरी
मेरी रानी प्यारी इसे कितना बुझा। दिल मिला ले हंस ले गाले, दिल जहां मिलता है फूल वहीं खिलता है, आके दिल मिला ले हंस ले गाले। जन्म जन्म की प्यास है दूर नहीं तू अब पास है, जन्म जन्म की प्यास है हाँ दूर नहीं तू अब पास है। पानी रानी प्यारी इसे कितना बुझा। नया नया अंदाज नई सांस है, कोई नहीं फिर भी कोई पास है। नया नया अंदाज नई सांस है, कोई नहीं फिर भी तो कोई पास है। अंग अंग संग संग मिल गया, तन मन खिल गया, मैं तेरी तू मेरा हो गया, दिल मेरा दिल तेरा खो गया। अंग अंग संग संग मिल गया, तन मन खिल गया, मैं तेरी तू मेरा हो गया, दिल मेरा दिल तेरा खो गया, खो गया खो गया। भैया भाभी मैं जा रहा हूँ। सूर्या एक मिनट रुको, तुझे तो हमेशा ड्यूटी जाने की जल्दी रहती है, ये लो नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, समय पर खाना नहीं खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी, ये लो। मुझे भूख नहीं है। सूर्या भाभी जो कह रही है वो सुनो, आरती को दो। आओ बैठो, ये लो, तब तक मैं चाय लेके आती हूँ, ठीक है? माँ। सूर्या आओ माँ, अंदर आओ। माँ कैसी हो तुम? देखो बेटा कैसी हालत है, न जी सकती हूँ न मर सकती हूँ, बुरी हालत है मेरी। ये क्या कह रही हो तुम? और क्या बोलूँ बेटा, मेरे को एक ही पोती है, वो भी एक साल से लापता है, वो कहाँ है कैसी है कुछ पता नहीं चल रहा है। वो जब से लापता हुई है उसके ही दुख में तड़प तड़प कर जी रही हूँ। तू ट्रांसफर होके इस गांव में आया है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी स्वाति अब मिल जाएगी, मेरा तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, स्वाति को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये केस कैसे हैंडल करना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसके लिए स्वाति किसके साथ गई थी ये तुम मुझे डिटेल में बताओ। हाँ बताती हूँ बेटा बताती हूँ। दिन शाम को 5 बजे जो गई तो अभी तक नहीं लौटी है बेटा, नहीं लौटी। ये बात है तो स्वाति को पिकअप करने वाला ड्राइवर। सर वो ड्राइवर तो एमजी ट्रबल्स में काम करना छोड़ के 9 महीने हो गए सर। उसका एड्रेस? सर वो घर खाली करके चला गया, ट्रबल्स का विजिटिंग कार्ड ले आया हूँ। वेरी गुड। आओ। हाँ भाई आता हूँ। जल्दी आओ। नमस्ते सर। हाँ ये इंश्योरेंस का पेपर है सर। हाँ और ये आरसी बुक है।
कहाँ से आ रही है गाड़ी? आंध्रा से आ रही है सर। बिल्टी बनाया क्या? हाँ। हे, ये तो वही है। I want to talk to him. Hi, प्रियंका, प्रिया। हमारे हॉस्टल में चोर आया था, वो मिला क्या? आपने जो मारा था पंच, वाह! मैं उसे बुला ही नहीं पा रही हूँ। आपका नाम? Hey, कांस्टेबल। सर। इस लड़की को क्या चाहिए पूछो। ओके सर। आइए मैडम इधर आइए। इस तरफ आइए। आपको क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए। दोगे क्या? हाँ। वो कोई बाजार में मिलने वाला फल है क्या? वो फल नहीं, वो मर्द है। Come on. अरे मैं बात करने के लिए आई और वो चले ही गए, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ रहते हैं। ये क्या इधर क्यों लेकर आ गए? बैठो। क्यों रे, सब लोग डर गए क्या? हाँ? You want to smoke? हाँ? सिगरेट? हमें नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तो ले लो। क्यों, हम पी नहीं सकते क्या? सिर्फ लड़के ही स्मोकिंग करते हैं क्या? मेरे मन में जो आता है वही मैं करती हूँ। उसी में थ्रिल है। तुम तो हॉस्टल में रहती हो, तुम्हें आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। अगर मुंह से बू आई, हम लोगों को तो घर से ही निकाल देंगे। अरे उसे देखो कैसे रैग कर रहे हैं। इस समय इन लोगों का बैंड बजाने के लिए कोई एक मर्द यहाँ नहीं आ सकता है क्या? वो आ गया। मेरे दोस्त ने बियर मांगी तो नहीं दी ना? ये ले पी। पी। You know, यही मेरा हीरो है, अब यही इनका अच्छा बैंड बजाएगा। I love it. वाओ! अभी देखो वो स्लो मोशन में मेरे ही पास आएगा। प्रिया, प्रिया, ए प्रिया, ए प्रिया, ए तुम्हारा यार दिलदार तो चला गया। हाँ?
कहां जाएगा? मैं उसे पकड़ ही लूंगी। I'm
पड़ियो। हा हा जी हा कह दो ना हा ना नर ना ना नर प्यार। दिस पर्सन इज ओके। हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ डीआईपी, डीआईपी मैं पब्लिक वर्कर हूँ, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सॉल्व करूंगा। राम सिंह मुंबई आ गया। हेलो ब्रदर। यस। ऐसे किधर भाग रहे हो भाई? मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे जाने दो भाई, मैंने एक बार गलती की है जानबूझकर, दूसरी बार गलती नहीं करना चाहता। तुम्हें गलत फहमी हो गई है मेरे बारे में भाई, उस दिन मेरा मूड खराब था, आपको मालूम नहीं आपके बारे में उस दिन कितनी चिंता कर रहा था मैं। उस दिन से आज तक आपसे माफी मांगने के लिए मैं इधर ही रुका हुआ हूँ। आप आज मिल गए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा भाई। टांग पकड़ के टांग खींचा था और आज पांव छू रहा है, ना जाने आज इसके दिल में क्या है, पता नहीं आगे क्या करेगा। भाई आज पैर पकड़ के क्या करने का इरादा है? भाई तुम्हें गलत फहमी हो गई है भाई, तुमसे मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। ए चुप रहो, मैं आ रहा हूँ, बोला ना, क्यों इतनी चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? ये साला किसके साथ बात कर रहा है? भैया मुझे तुमसे एक मदद चाहिए भाई। क्या तुम कबड्डी खेलते हो क्या? ओ ओके ओके। ए मेरे भगवान, आखिर तुमने मुझे कबड्डी खेलने वाले से मिला ही दिया। ए भगवान आपका धन्यवाद भाई। हा? कुछ नहीं, अपने लड़के लोग कबड्डी खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनमें से एक खिलाड़ी को बुखार आया है, वो घर में सोया हुआ है, उसके बदले में आप खेलेंगे तो। ए आपकी पत्थर है, सबको मार दूंगा, समझ गए तुम लोग, सामने से हटो। हाथ में पत्थर नहीं है, किसको मारूंगा बोल रहा है ये? कोई भी नहीं है। चलो भाई चलते हैं इधर कबड्डी खेलने के लिए, देखो कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो भाई। ए क्या समझा तूने मुझे, मैं नहीं आऊंगा, जाओ मुझे केस अटेंड करना है। What do you mean, understand? ऐसा मत बोलो भाई, आओ ना। ए तूने मुझे पागल समझा है क्या, कभी कबड्डी बोलता है कभी टूर्नामेंट। ए ज्यादा बात किया तो लात मारूंगा, चल फुट फुट यहाँ से। साले कैसे नहीं आता देखता हूँ। साले मैं तुम्हें देख लूंगा, आता ही नहीं। चल चल नीचे फेंको, छोड़ दूंगा तो तुम भाग जाओगे। चल चल, कोई भी नहीं दिख रहा भाई। ज्यादा शोर मत मचाओ, नायक आ गया है, चैंपियन अब कबड्डी खेलेंगे, ज्यादा शोर मत मचाओ समझे भाई। हे भगवान, जनता भी नहीं है, टीम भी नहीं है, मैं कैसे पागले जंगल में बच गया? कपड़े उतारो भाई, अंदर कुछ नहीं है भाई। क्या चड्डी? जाओ पहले उस लंबू को आउट करके तुम यहाँ पे आओ समझे, जाओ 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 साले। कबड्डी 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 कबड्डी। वेरी गुड, अच्छा खेल रहे हो। सामने वो मोटा दिख रहा है ना तुमको, उसको एक ही बार में कैच करके आओ समझे, जाओ जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। इधर तो कोई भी नहीं है, किसको आउट करूं? कबड्डी 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 पकड़ो पकड़ो। कबड्डी 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 मेरी टांग। कबड्डी 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 मैंने आउट किया। कबड्डी कबड्डी वेरी गुड, अच्छा खेले हो भाई, अब हम जीत गए हैं। दो भाई ट्रॉफी दो, ये लो तुम्हारी ट्रॉफी। द कॉफी। ए ये ट्रॉफी को कॉफी बोलता है? लो ट्रॉफी। ट्रॉफी तो नहीं है, कैसे ट्रॉफी लूं? वो पसीना निकल गया। अरे इतनी अच्छी कबड्डी खेलता है, बदन पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं लगी। कैसा पागल है साला, कबड्डी खेला नहीं तो मिट्टी कैसे लगेगी? हाँ ऐसे ही लगना चाहिए मिट्टी। हाँ बदन को मिट्टी तो लग गई मगर खून नहीं आया। उस दिन शाम को तुम्हारी पोती को ले जाने वाला यही था ना वो? सूर्या यही था, यही था।
अरे बता, मेरी स्वाति कहाँ है? कहाँ उसे छुपा कर रखा है? बताना, बता मेरी स्वाति कहाँ है? कहाँ है मेरी स्वाति? बताना, बता मेरी स्वाति कहाँ है? नहीं है मेरी स्वाति? छोड़ दो इसे, इमोशनल मत हो, जल्दी पूछो तुम्हारी स्वाति कहाँ है, मैं उससे पूछता हूँ। स्वाति, स्वाति कहाँ है? स्वाति कौन? स्वाति निर्मला देवी की पोती। मुझे पता नहीं, उस दिन शाम को 5 बजे तूने पिकअप किया था ना, कहाँ है वो? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम नहीं? मालूम नहीं है? मालूम नहीं है? मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं तुझे? मालूम नहीं? मालूम नहीं? बता, बता। बताता हूँ, बताता हूँ। रोज शाम को उसको पिकअप करता था, वैसे ही उस शाम को उसके घर से उसे पिकअप किया, उधर से उसको ले जाकर। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, चल, छोड़ दो, चल, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, खोलो दरवाजा, खोलो। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। देवराज, रोको रोको, ए स्टॉप स्टॉप, रोकना नहीं, ए रुको, स्टॉप, आगे चला, बहुत स्पीड पर। ए कौन है बे तू? इंस्पेक्टर सूर्या। ए तूने गाड़ी क्यों रुकवाया? स्वाति मिसिंग केस में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। कौन स्वाति? मैं किसी को नहीं जानता। सब जान जाओगे, चलो। एए! मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना, वरना इसे उड़ा दूंगा। चल रे, चल चल। ऐसे घूर कर क्या देख रहा है? तुम गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे लेबल के बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानते। बस पांच मिनट में पता चल जाएगा मेरा पावर क्या है। दिखा, दिखा तेरा पावर क्या है। फोन मत उठाना, मेरे सामने तू पावर दिखाता है ना? तुझे अंदर करने की किसी पुलिस वाले में हिम्मत ने यही सोचा था ना देवराज? लेकिन एक ऑफिसर है जिसमें तुझसे दोगुना पावर है। ऐ, जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलता तब तक कोई फोन नहीं उठाएगा। स्वाति कहाँ है बोल? कौन स्वाति? निर्मला देवी की पोती, ड्राइवर फिलिप ने जिसे तेरे पास लाकर छोड़ा था, उसका तूने किस लिए किडनैप करवाया था? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है, तुमने ही उसे किडनैप करवाया है। सीधी तरह से तू बता दे, वरना मैं तुझे पुलिस ट्रीटमेंट दूंगा। तुम जो पूछ रहे हो उस सवाल का जवाब 2 मिनट में, 1 मिनट में बस आ जाएगा। यस। तुम लोग कौन हो? सुनिए। सो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात बिल्कुल सच है। सर, फोन सर। उठा के फेंक दो। घर से है सर। बोलिए भाभी। सूर्या, घर में शुक्रा के गैंग वाले घुस आए, तुम जल्दी आओ।
शुक्रा। पता चल गया ना, तुमसे ज्यादा पावर मेरा है। हुआ भाभी, क्या हुआ? शुक्रा, 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 किधर है वो? उधर, उधर है। एए, लाओ मत। सूर्या! इंस्पेक्टर, तुम्हारे हाथ में जो रिवॉल्वर है, अगर वो मेरे हाथ में होता तो उसके अंदर की सारी गोलियां तुम तीनों के शरीर में घुसेड़ देता। तुमको शूट करने की परमिशन चाहिए, लेकिन मुझे शूट करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। शुक्रा, देखो मेरे साथ खेल मत खेलो, मत खेलो। तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जो बोलता हूँ कान खोल कर सुन लो। शुक्रा, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सरकार की दी हुई ये फ्री की वर्दी पहनकर सोए हुए सांप को तुमने बीन बजाकर जगाया है। मैं कोई अलग नहीं हूं, देवराज भी अलग नहीं है। उसने कोई गलती नहीं की है। पहले उसको रिलीज करो, फाइल क्लोज करो, नहीं तो फिर तुम्हारी फैमिली क्लोज। शुक्रा, तुम जैसे गुंडों से मुझे वर्दी की अहमियत जानने की जरूरत नहीं है। केस को कैसे हैंडल करना यह मुझे अच्छी तरह से आता है। ए, मैं तुझे ही खत्म करने के लिए आया हूँ। नहीं, नहीं शुक्रा, नहीं, उसे कुछ मत करो। सुना क्या इंस्पेक्टर, दिल के रिश्ते की पुकार? ये शुक्रा जिंदगी में कभी किसी को दूसरा चांस नहीं देता है, लेकिन तुम्हें दे रहा है। क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से डिसाइड कर लो। डिसाइड करना ही होगा। शिट! सूर्या, उसने अपनी भलाई के लिए ही कहा था। तुम ही जरा दिमाग से सोचो, वो क्यों हम सबको वार्न करके चला गया? हम सबको मार सकता था ना वो, अब तक हमारी जान उसकी मुट्ठी में थी। हेलो सर, देवराज को बेल मिल गया। साइन करवा के उसको भेज दो। यस सर। और उसको बोल दो कि बेल मिल गई है, इसका मतलब जेल की सजा खत्म नहीं हुई है। उसको तो मैं एक न एक दिन ले जाकर अदालत में जरूर खड़ा करूंगा। एक बात सुनो, कुछ भी हो तुम संभल के रहो, वो बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊं क्या? देख लेना, एक न एक दिन मैं उस काउंडल देवराज के साथ शुक्रा को भी लात मारकर अंदर डालूंगा। सूर्या, हालात को देखते हुए ऐसा लगता है
तुमने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करके गलती की है। ये सब करने की जरूरत क्या है? आप डरिए मत भैया, धीरज रखिए, मैं चलता हूँ। एक मिनट सूर्या, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है भाभी? कल पापा का श्राद्ध है, भूलना मत। ओह, मैं तो भूल ही गया था, भाई के हाथों से नहीं होगा, उसके लिए जो भी चाहिए मैं इंतजाम कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। भाई, इंस्पेक्टर सूर्या का भाई आया है। वो क्यों? आपसे मिलने के लिए। ठीक है, अंदर भेज दो। ठीक है भाई। सिटी मॉल का जानी मोहन शेखर। हाँ हाँ, बहुत लफड़ा कर रहे हैं, उनको थोड़ा देख लो। हाँ हाँ हाँ, मैं इंस्पेक्टर सूर्या का भाई हूँ, मेरा नाम संजय है। पता है, क्या बात है? मेरा सूर्य के अलावा कोई भी नहीं है, विनती है आप उसे छोड़ दो। ये बात आप मुझे मत बताइए, उसको बताइए। प्लीज शुक्रा, प्लीज। तुम्हारे भाई ने गलती की है, देवराज क्या है मुझे अच्छी तरह पता है, हम लोग किसी से पंगा नहीं लेते, और अगर ले लिया तो फिर उसे छोड़ते नहीं, हम लोगों में भी दिल है, समझे आप? सूर्या है। नमस्कार। नमस्कार। अभी पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके नागपुर में ज्वाइन किया है। बैठिए। पिता के जैसा नाम कमाओ और खूब तरक्की करो। सूर्या, इनकी नातिन स्वाति किडनैप हो गई, उस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। बेचारी, एक्सीडेंट में इनका पति, बेटा और बहू मर गए, सब खो गए, भगवान की दया से इनकी पोती बच गई, अब वो भी लापता है, उसके बिना ये बहुत परेशान है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी पोती को मैं ढूंढ निकालूंगा। मेरी इतनी मदद कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर बैठी हूं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपसे कुछ जरूरी जानकारी लेनी है, इसलिए कंट्रोल रूम में आइए। चलती हूं। ठीक है माँ। मैं अपने कार से आती हूँ। ओके माँ जी। इनकी मदद। पिताजी, पिताजी, पिताजी। Thank you.
तुम अपने पिता का पिंड दान करने आए हो, 3-4 पुलिस वालों को अपने साथ में लेकर आना चाहिए था। अब तुम्हारा पिंड दान कोई नहीं करेगा, और 3-4 दिन ये खाकी वर्दी पहनकर अगर जीना चाहते हो तो अपना ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में करवा लो, चले जाओ। ये शहर छोड़कर जाने वाला मैं वो बुजदिल नहीं हूं। पहले तुम लोगों को यहां से भगाऊंगा। तुम लोगों का नाटक क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम चाहे 100 लोगों को भी भेजो, मैं अकेला ही लड़ूंगा। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये सूर्या शेर है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारी वर्दी बोल रही है। इस शुक्रा ने आकर उस इंस्पेक्टर को बचा लिया क्या? यानी कि वो दोनों हमशक्ल होने के नाते दिल में सेंटीमेंट है, तुम लोगों के जैसे जुड़वा है क्या? एक ही बाप की औलाद है क्या? इनमें खून का रिश्ता है या फिर इनमें काम का रिश्ता है? ए सत्या भाई, किधर है वो फिलिप? इंस्पेक्टर ने फिलिप्स को कहा रखा है पता नहीं। ओहो, खुद के मारने की राशि वो खुद लिखेगा, मुझे अच्छी तरह पता है। देवराज के साथ जग्गा भी है सर, उस शाम को मैंने उसको उधर देखा था। उसे पकड़ लोगे तो स्वाति की क्या खबर है आपको मिल जाएगी सर। सर ये मैंने आपको बताया, किसी को मत बताना सर, प्लीज सर। कहाँ है वो? उसका अड्डा कहाँ है मुझे पता नहीं। हाँ उसका फोन नंबर है, बताओ। 9826-70226। हेलो, मैं फिलिप्स बोल रहा हूँ। मैं छूट गया हूँ बोलकर उसको कहाँ आना है पूछो। मैं छूट गया हूँ, मैं कहाँ आऊँ? जग्गा यहीं पे होगा ना? इधर नहीं सर, शायद दूसरी जगह पे हुआ। चिट। हेलो, मैं शेखर बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर सूर्या फिलिप को लेकर जा रहा है। वो जैसे लेकर जा रहा है उस पर मुझे डाउट हो रहा है। कहाँ पर? भाई ब्रिटिश बंगले की ओर ले जा रहा है। हेलो सूर्या, मैं शुक्रा बात कर रहा हूँ। उस फिलिप्स के साथ मत जाओ सूर्या। हेलो चिट। कहाँ है? दिखाओ। इधर इधर ही सर। ए जगह, ए आ रहा है देखो, उसको जाके पकड़ लो। कम ऑन इंस्पेक्टर,
बहुत देर लगा दी आने में। आज तेरी जिंदगी का आखिरी खेल है। आ, आ। ए दिनेश, उसका कोटेशन फिक्स हो गया रे। ए, आराम के पिल्लों, कोटेशन फिक्स करने वाले तुम लोग नहीं हो, मैं हूँ। तेरा गवर्नमेंट कोटेशन है यूजलेस, हम लोगों का ओरिजिनल है। किसके गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो? मुझसे टकराया और मट्टी में मिल गया तू। मैं तुम्हारा नंबर पहले ही लिख कर रखा हूं। ए, ऐसे ही तुम्हारा बाप भी खाकी वर्दी का रौब झाड़ते झाड़ते शांत हो गया। ए, तुम्हारे बाप को सुलाने वाला कौन है पता है क्या? मैं हूं, मैं देवराज हूं। कर्तव्य को भगवान जैसे मानने वाले पुलिस ऑफिसर का बेटा हूं मैं। तुझे खत्म करके ही मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम में दम है साले, तुम्हारे बाप जैसा ही तुम्हारे बाजुओं में दम है। कितना भी हो जाए, तुम तुम्हारे बाप के ही बेटे हो, उसी की तरह जिद्दी हो तुम। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें न्याय नीति धर्म से चलना सिखाया। कलयुग का पहला पाठ ही नहीं पढ़ाया तुमको, मेरी दुनिया ने तुम्हें खत्म करने के लिए चक्रव्यूह रचा है। सो
डिसमिस। पापी आत्मा को शांति देना, शांति देना। मत करो मत करो, कितनी बार समझाया था फिर भी मेरी बात तुमने नहीं मानी ना। इस तरह की लाशें तो मैंने जिंदगी में बहुत देखी हैं, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, इसीलिए क्योंकि तुम मेरे हमशक्ल हो। तुम बहुत अच्छे हो, मैं एक टपोरी हूं। तुम्हें नहीं मरना था, मरना नहीं था, तुम्हें नहीं मरना था। बहुत जल्दीबाजी की। बड़े हो गए हो तुम लोग, मारने पर उतारू हो गए हो। छोड़ दो शुक्र भाई। किया है ना इंस्पेक्टर का खून कर दिया, इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हें, तुम्हारी एक एक की खाल खींच के रख लूंगा। किसने किया खून बताओ। उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, मैंने ही खून किया है और वो एक्सीडेंट था। देखो लो, तुम्हें उसका खून नहीं करना चाहिए था देवराज, आफ्टर ऑल तुम्हें उसने गिरफ्तार किया इसलिए उसका खून नहीं करना चाहिए था। तुम उसको बातों से भी समझा सकते थे, और फिर मैं भी तो था। क्यों रे शुक्रा, इतना एक्साइट क्यों हो रहा है? तुम्हारा हमशक्ल और रिश्तेदार था इसलिए। आ बैठ बैठ। शुक्रा, अपने धंधे में सेंटीमेंट और रिश्तों की कोई जगह नहीं होती, ये पता नहीं क्या अपनी दुनिया में ये मामूली बात है। मेरे ऊपर जो भी हाथ उठेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करता, काट देता हूं। मैं क्या चीज हूं तुम्हें अच्छी तरह से पता है देवराज, बिना बताए काम करना तुम्हारा वीक पॉइंट है, बताकर काम करना मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। Thank you.
कौन है? क्यों आए हो? क्यों आए हो यहाँ? किसी की जान लेने के लिए आए हो? आरती मैंने ही। आप कुछ मत बोलिए। अब बस हम दोनों ही बच्चे हैं, हमारी भी जान ले लो, तभी तुम्हें चैन मिलेगा ना। आरती मेरे पास कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। धोखे से मेरे सूर्या को मार दिया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम एक राक्षस हो, पापी हो, रिश्तों के बारे में तुम क्या जानो कसाई? माँ बाप भाई बहन उनके साथ बड़े होते, उनके सुख दुख में साथ होते, तो तुम्हें पता चलता कि कितना दुख होता है। अपने स्वार्थ के लिए मेरे सूर्या की बलि दे दी। तुम्हारा मन कितना कठोर है, तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है, तुम्हारा मन मर चुका है, तुम इंसान नहीं हो। आरती मैंने ही उसे बुलाया था। आपने? आपने इसे बुलाया है? हाँ हाँ मैंने ही। क्यों? हम दोनों की जान लेने के लिए? इसके अलावा ये कर भी क्या सकता है? मारोगे? आओ मारो, सूर्या के जैसे हमें भी मार डालो। छे! माँ? वो सूर्या समझे क्या? हाँ। नहीं, वो शुक्रा है, एक गुंडा है। अरे ये तो सूर्या के जैसे ही दिखता है, क्या चमत्कार है, वो क्यों इधर आया था? वो सब बताता हूँ ना माँ, अंदर तो आइए आप। अरे सूर्या, सूर्या, अरे मेरे केस के पीछे तुम अपने पिता को और मैं तुम्हें खो देती, पता होता तो मैं उसी वक्त कह देती कि मेरे केस को वापस ले लो। क्या करूं, मुझे भी पता नहीं चला, सच पता नहीं चला। अब बस मुझसे, मेरी स्वाति से आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको यही खत्म कर दीजिए, मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं ये केस वापस ले लेती हूँ। नहीं नहीं, भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप केस वापस लेंगी तो पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरे सूर्या की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। माँ हम आपके साथ हैं, आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ माँ, आप केस वापस मत लीजिए। माँ सच है, तुमने जो कहा सच है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उनको। भाई तुम उस फैमिली के बारे में इतना टेंशन क्यों लेता है, तुमको क्या करने का है? ए, आई एम सॉरी। हाँ कौन है वो लोग मेरे लिए? भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, कौन है? कोई नहीं है, वो कोई भी तो नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फैमिली मुश्किल में नहीं पड़नी चाहिए? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। सब्जी अच्छी देना, आलू लो, आलू थोड़ी और डालो, प्याज लो 15 रुपए किलो। हाँ। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। सब्जी खरीदने आई हो? कितना हुआ भाई? पैसे मैं दे देता हूँ। तुम कौन होते हो? देख तुम्हारे, ए सब्जी लो, कुछ भी लो, मटन लो, चिकन लो, खाना खा करके आराम से रहेंगे। ओ लंगड़े पति के बारे में सोच रहे हो? उसके बारे में मत सोचो, उसे मैं देख लूंगा। छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जो मारती है इधर से फुट ले। आप रुकिए। दया। हाँ भाई। इनको ले जाकर घर पर छोड़ के आओ। ठीक है, आइए मैडम।
पैसे लो। नहीं नहीं मैडम, आपसे पैसे लूंगा तो शुक्र भाई डांटेंगे। नहीं चाहिए मैडम। कोई बात नहीं, ले लो। ए केशव, पैसा क्यों नहीं भेजा रे? अभी मेरे लड़के लोगों को भेज रहा हूँ, पैसे चाहिए, नहीं तो। भैया, उस बाबू को छोड़ना नहीं, अभी तुम हाँ कहो, हम लोग उसको उड़ा देगा। ए, इसकी जरूरत नहीं है भाई, उस एरिया में उसका ज्यादा हो गया है, इसी लड़की को भी नहीं छोड़ता है, अब उसकी नजर इंस्पेक्टर के घर पर है। इसीलिए उनके घर को वॉच करो, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये ए मिस्टर, ये हाँ हे भगवान, अभी मेरी जान में जान आई। पेपर पढ़कर तो मेरी हार्ट बीट स्टॉप ही हो गई थी, लेकिन वो तुम नहीं हो, ये मेरा मन कह ही रहा था। इतना रिजेम्बलेंस, दोनों बिल्कुल हूबहू है। तुम दोनों ट्विंस हो, और पेपर में जो इंस्पेक्टर है और तुम। ए, मेरा दिमाग खराब मत कर, चल फुट ले यहाँ से। जाने दो, वो सब लेके मुझे क्या करना है, लेकिन तुमने मुझ पे जादू कर दिया है। तुम्हारी याद में मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मालूम है। आंखें खोलती हूँ तो तुम नहीं होते हो, आंखें बंद करती हूँ तो तुम ही नजर आते हो। ऐसा ही हो रहा है, मेरी हालत तो बिल्कुल खराब है। आज मैं तुम्हारे सामने दिल खोल कर बात करना चाहती हूँ, ये डिसाइड किया है। मैं तुमसे तुमसे बदल गए हो, तुम मुझसे दूर चले जा रहे हो ऐसा लगता है। पता चला, मैं इंस्पेक्टर के घर पर जाता रहता हूँ और उनकी मदद भी करता हूँ, उतना ही नहीं, उससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। मुझे तकलीफ तुम्हें होगी, यही सोच रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो भी मैं अकेला ही लड़ लूंगा, किसी की मदद नहीं लूंगा। क्या बोला? तुम अकेले लड़ सकते हो, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है शुक्रा। तुम अकेले लड़के मरना चाहते हो तो तुम द्वापर के अभिमन्यु तो नहीं हो। ये कलयुग है, इसमें सब कुछ बदल गया है। इस धंधे में कोई भी भरोसे वाला आदमी नहीं है, सबको बदलना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि साथ में रहने वालों के साथ दुश्मनी मोल ले लो। देखो शुक्रा, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, इंस्पेक्टर की फैमिली को मदद करना
छोड़ दो, उससे तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओए, देखो शुक्रा, तुम्हें बदलना चाहिए, अच्छी तरह से सोच लो। कौन थे वो? वो कोई भी है, तुम्हें क्या लेना देना है? क्या है रे? नया इंस्पेक्टर आपसे मिलने के लिए आया है। अंदर भेजो। ठीक है। मेरा नाम सुशील कुमार है, इस पूरे एरिया का नया इंस्पेक्टर। मैं ना अच्छे लोगों के पास भी जाता हूँ, बुरे लोगों के पास भी जाता हूँ। हाँ, मुझे शुक्रा से मिलना है। मुझे उसके साथ इंस्पेक्टर सूर्या के बारे में तहकीकात करनी है। इंस्पेक्टर, आप गलत जगह पर आए हो। हाँ? यहाँ कोई शुक्रा नहीं है, ये हाँ। देवराज का एड्रेस है। सर पकड़ लो। हाँ? सर अंदर आओ रानी। सर। सर कितने लोग स्टेशन में हैं? दो हैं सर। दोनों गेट आउट, दरवाजा बंद करके जाओ। ओके सर। सर शुक्रा किधर है? अरे आ जाओ। अरे अरे बैठो। अरे ऐसा भी क्या जल्दी है? सर शुक्रा कहाँ है? अरे वो कहाँ है यही पूछने के लिए तुम्हें यहाँ लाया है। अरे क्या सेंटीमेंट है, क्या लव है। वो किधर है थोड़ा जल्दी बताओ। मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। तुम्हें पता नहीं है? मुझे नहीं मालूम। बात कर। शुक्रा मैं प्रिया, तुम पुलिस स्टेशन में फौरन आओ। तुम जरूर आओगे इसीलिए ये इंस्पेक्टर मुझे यहाँ लेकर आया है। ए, 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 शुक्रा अरे फोन रख दिया। बैठ इधर, उसके साथ जो करती है मेरे साथ करी, थप्पड़ मार दूंगा। बैठी रह चुपचाप वरना खल्लास कर दूंगा। चल। ये क्या, रात हो गया ना लड़की, अभी तक नहीं आया अपना राजा। अरे अरे बिजली चली गई। अरे कोई बचा रहे, अरे मार रहा है, अरे अरे मारा मारा मारा, अरे मुझे तो निकालो, दिख नहीं रहा है। अरे ये गोली हटाओ, अरे ये गोली हटाओ, ये ऐसा ही होगा। अरे अरे ये गोली हटाओ, अरे यार हटाओ। सर सर हटाओ ना। ये क्या हो गया सर? अरे मुझे किसने मारा? जुम जुमक जुमक नच ठुमक ठुमक, ये तन मन मस्ती देवे है। देखो हंसते हंसते देखो गीत गाते, ये तन मन मस्ती देवे है। झुम झुमक झुमक नच ठुमक ठुमक, ये तन मन मस्ती देवे है। देखो हंसते हंसते देखो गीत गाते, ये तन मन मस्ती देवे है। यारा मेरे यारा ऐसे क्यों उदास है, आके गले लग जा, मस्ती मेरे पास है। ओ मिस दे दो किस, ओ मिस दे दो किस, ओ मिस दे दो किस, ओ मिस दे दो किस। झुम झुमक झुमक नच ठुमक ठुमक, ये तन मन मस्ती देवे है। देखो हंसते हंसते देखो गीत गाते, ये तन मन मस्ती देवे है। है यवन है तेरा रसीला, है बिल्कुल
तेरी आंखें तो है गुलाबी चुलबुली में चुलबुला, तेरी आंखें तो है गुलाबी चुलबुली में चुलबुला। झुम झुमक झुमक नच ठुमक ठुमक ये तन मन मस्ती देवे है, देखो हंसते हंसते देखो गीत गाते ये तन मन मस्ती देवे है। झुम झुमक झुमक नच ठुमक ठुमक ये तन मन मस्ती देवे है, हाय 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 देखो हंसते हंसते देखो गीत गाते ये तन मन मस्ती देवे है। झुम झुमक झुमक नच ठुमक ठुमक ये तन मन मस्ती देवे है, देखो हंसते हंसते देखो गीत गाते ये तन मन मस्ती देवे है। यारा मेरे यारा ऐसे क्यों उदास है, आके गले लग जा मस्ती मेरे पास है। ओ मिस दे दो किस, ओ मिस दे दो किस, ओ मिस दे दो किस, ओ मिस दे दो किस। झुम झुमक झुमक नच ठुमक ठुमक ये तन मन मस्ती देवे है, देखो हंसते हंसते देखो गीत गाते ये तन मन मस्ती देवे है। बैठिए। शुक्रा, मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ बेटा। मेरा नाम निर्मला देवी, इंस्पेक्टर सूर्या के भाई ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया है। क्या बताया है? शुक्रा बुरा आदमी नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। अगर उसने चाहा तो आपकी स्वाति को ढूंढ निकालेगा। कौन स्वाति? मेरी पोती, गुम होके एक साल हो गया है। पुलिस में कंप्लेन करना था ना? मैंने कंप्लेन दी थी, फिर भी मेरी पोती नहीं मिली। ये लो पैसा, लो शुक्रा, तुम जितना मांगोगे मैं दूंगी। मुझे मेरी स्वाति चाहिए, मेरी पोती को ढूंढ निकालो बेटा। शुक्रा तुम ये मदद अपनी माँ के लिए कर रहे हो ये समझ लो बेटा। पहले आप ये पैसे अंदर रखिए, आपसे जो हो सकता है कोशिश कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। ऐसा ही करो बेटा, मैं जाती हूँ। ये कांटा पक पड़ा इधर। हेलो, अरे मैं इस पागल के पल्ले पड़ गया, मेरी वट लगा देगा। क्या करूं? क्या भाई, देखकर भी अनजान बनकर ऐसे भाग रहे हो? मेरी तुम्हारी इतनी ही फ्रेंडशिप है क्या? क्या भाई, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा भाई, लेकिन आप मिले ही नहीं। देखो भाई, उस लंबू के गैंग वालों ने मुझे कितना मारा भाई, देखो जरा। अरे मुझे तो मार खाने के निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहे, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे मेरे भाई, क्यों? देखो भाई, उस दिन तुमने अच्छी कबड्डी खेली थी ना, तो मैंने रिकमेंड किया ट्रॉफी के लिए। ट्रॉफी दिलाया कि नहीं दिलाया बताओ? और अभी अभी लंबू के गैंग वाले आके बोलते हैं हम अच्छा खेले इसलिए मुझे मार के चले गए। उस दिन से आपको इसलिए ढूंढ रहा हूँ मैं, और आप अब जाके मिलो मेरे को। अकेले कबड्डी खेला, उसको कौन ट्रॉफी देगा? ये मेंटल है या मैं मेंटल हूँ? भाई मेरी ट्रॉफी किधर है, मेरा कप किधर है? दे दो भाई, प्लीज दे दो भाई, दे दो भाई, मेरे नसीब में इसके हाथ मार खाना ही लिखा है क्या? कबड्डी नहीं खेला हूँ, ट्रॉफी भी नहीं मिली, उस ट्रॉफी को मैं कहाँ से ला के दूँ? ए तुम इधर देखो, तुम क्या मुझे अंधा आदमी समझते हो? उस दिन तुमने कबड्डी खेली थी कि नहीं, कप लिया था कि नहीं? अब देखे तो प्लेट चेंज कर रहे हो, मेरे बारे में जानते हो ना? इज्जत से अब तुम मेरा कप वापस दे दो, समझे? नहीं तो तुम्हारी कहानी खत्म।
इसके साथ पंगा लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, पागल के साथ पागल बन के रहने में भलाई। भाई क्या है भाई, तुमने जो मुझे ट्रॉफी दी थी ना, हाँ। वो मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ। चलो मेरे साथ, हाँ। हाँ। चलो। हाँ। अरे इससे कैसे संभालूं यार। अरे भाई तुमने, हाँ? जो ट्रॉफी दी थी वो बहुत भारी थी, उसको घर नहीं ले गया, यही बस स्टैंड में रखी है। एक मिनट, इधर ही है। ये लो। ए क्या है ये? ट्रॉफी। ट्रॉफी ना? हाँ। सर हाँ, इधर आइए। इनके हाथ में क्या है सर? कुछ नहीं है। ए खाली हाथ दिखा के मेरे साथ नाटक कर रहे हो क्या? इज्जत से तुम मेरी ट्रॉफी दे दो, नहीं तो 2 लाख रुपए दो, समझे तुम? 2 लाख रुपए? क्यों बे, ट्रॉफी कॉस्टली थी इसलिए बेच दिया क्या? भाई मेरे पास 2 लाख रुपए भी नहीं है, ट्रॉफी भी नहीं है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों सता सता कर मुझे मार रहे हो? इससे तो अच्छा है एक ही बार गला दबाकर मार दो। क्या बोल रहा तू? तुझे मारने से मेरी ट्रॉफी मिल जाएगी क्या? है? क्या कर रहे? निकाल मेरी ट्रॉफी, निकाल मेरी ट्रॉफी, ट्रॉफी चाहिए तेरे को, निकाल निकाल, कपड़ा कपड़ा निकाल, ये टाई भी निकाल, मुझे मेरी ट्रॉफी चाहिए समझे तू? निकाल निकाल मेरी ट्रॉफी, अपनी शर्ट भी निकाल, जल्दी निकाल, ट्रॉफी दे मेरी, अरे निकाल, सारे कपड़े निकाल दूंगा, सारे कपड़े निकाल दूंगा। अरे ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आया है सर, इसको ढूंढते ढूंढते हम थक गए हैं सर, आज मिल गया। ए चल, ए चल 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 पागल। क्या बोल रहे हैं आप? ये जो बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हैं? एक साल से आप मुझे यही कह रहे हैं, आ जाओ कल आओ, कब ढूंढेंगे मेरे स्वाति को? मेरे मरने के बाद क्या मैं मर जाऊंगी तभी? ये केस को लेके बाप और बेटा मरा ना, उसके मरने का और इस केस का कुछ संबंध है क्या? इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया तुमने? नहीं, आप नहीं करेंगे। क्यों पता है? रोज सुबह आने वाले से तुम्हें झूठ बोलने की आदत जो हो गई है। मिस्टर अनिल, आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? सर मैंने एक्शन लिया है, सब जगह पर इन्फॉर्म कर दिया है। लड़की खो जाने का एक दो केस थोड़ी है, अपने स्टेट में हर साल 500 से ज्यादा केस आते हैं। वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट सर। देखिए माँ जी, आपकी पोती को ढूंढ के जल्दी ही आपके हवाले करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चिंता? किसे? मुझे? चिंता करके मैं केस वापस लेने वाली नहीं हूँ, ये बात जाकर किसी और को बताओ। आप क्या करेंगे ये मुझे पता नहीं, और एक हफ्ते में मेरी स्वाति को ढूंढ के नहीं निकाला, नहीं तो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर तक जाऊंगी। मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं बीच रास्ते में बैठकर सत्याग्रह करूंगी। उसके बाद भी आप नहीं माने तो आपके ऑफिस के सामने आत्मदाह करके मर जाऊंगी। देखिए माँ जी, आप इस तरह बात मत कीजिए, आपकी पोती को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। देखो इस तरह की कंप्लेंट दोबारा ना आए, नहीं तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। आप समझ रहे हैं ना, ये मिसिंग केस इंस्पेक्टर सूर्या का और उनके पिताजी की मौत का आपस में कुछ संबंध है क्या? इसकी तफ्तीश करके मुझे एक सप्ताह में रिपोर्ट दो, समझे? अंडरस्टैंड? ओके सर। उसका मुंह मैं बंद करूंगा, तुम टेंशन मत लो। हेलो, बोलो महादेव, कहाँ? इधर
ए शुक्रा, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, आउट। मुझसे ही पंगा लेगा क्या? इज्जत से यहां से चले जाओ वरना तुम्हें अभी उड़ा दूंगा। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? पुलिस को इन्फॉर्म किया गया? नहीं। डॉक्टर, पुलिस को इन्फॉर्म करो। hey, डॉक्टर, मैं शुक्रा हूँ, मेरा नाम सुना है ना? हा? डॉक्टर, पेशेंट को अंदर लेके जाओ, ऑपरेशन थिएटर में। कायदे कानून का किसी को ख्याल ही नहीं है। भैया, माँ को क्या हुआ भाई? थोड़ी सी चोट लगी है डॉक्टर। घबराने की कोई बात नहीं, 3-4 टेस्ट करना होगा, स्कैन करना पड़ेगा। चाहे जितना भी खर्च होगा परवाह नहीं, होने दो। ओके, टेस्ट करो। ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, ब्लड बैंक से लेकर आइए। डॉक्टर, मेरा भी वो पॉजिटिव ब्लड है। सिस्टर, ब्लड ग्रुप चेक कीजिए। ओके डॉक्टर। ये देवराज से पंगा ले रहा है, शुक्रा इतना बड़ा हो गया। ए, ये शुक्रा अब मेरा ही साथ देगा, ऐसा मैंने सोचा था। ए, शुक्रा ने कहीं ना कहीं तो उस बुढ़िया को एडमिट किया होगा। किसी तरह से भी उस बुढ़िया को उड़ा दो, साथ में ही उस शुक्रा को भी उड़ा दो। जाओ। यहां पर एक साइन कीजिए, यह आपकी मां है। क्या एक्सीडेंट हो गया है? कैसे? पता नहीं। वो कहां है? गीता नर्सिंग होम में। सुनिए, हमें भी चलना चाहिए। हाँ। ए शाणे, इधर क्यों आ रहे? ए बेटे हट जा, मैं इधर ठीक नहीं होगा। ए हट हट हट। ए बाबू, ये सब ठीक नहीं होगा। तो हटता कि नहीं मेरे रास्ते से। शुक्रा भाई को पता चल गया तो तेरा पैंट बजा देंगे। कौन है रे शुक्रा? हैं? हट। देखो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, चले जाओ। शुक्रा, शुक्रा। जो दवाई लिखी है जल्दी लेकर आइए। ठीक है डॉक्टर। भाई भाई, वो बाबू इंस्पेक्टर के घर में घुस गया और उसे रोकने गए तो चाकू से हमला कर दिया। छोड़ दो, छोड़ो उसे। आ जाएगी, रुक। Hey!
चल मुझे माफ कर दो। नहीं 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 बोलो भाई। शुक्रा के चेले हॉस्पिटल के सामने ही हैं। ऐसा क्या, वो शुक्रा के चेले उधर ही हैं क्या? इसका मतलब वो उधर ही होगा। साइलेंटली उसे उड़ा दो। शुक्रा के साथ आप हो? हाँ। डॉक्टर बुला रहे हैं। चलो। उस पेशेंट को देखो। क्या डॉक्टर? दवाई कहाँ है? शुक्रा कहाँ है? भाई दवा लाने गया। देर हो रही है, जल्दी दवा लाओ। इस स्लिप में दवाइयां लिखी हैं, जल्दी दीजिए। शुक्रा, उसे क्यों मारा? किसको? वही वो, तुमने ही उसका खून किया है, मैंने देखा था। बोलो। देखो, बहस करने का टाइम मेरे पास नहीं है, मुझे अर्जेंट जाना है, समझी? ये लीजिए सर। कितने हुए? 300 रुपए। ये लो। शुक्रा, क्यों किया तुमने बताओ? जब तक नहीं बताओगे नहीं छोड़ूंगी। शुक्रा रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या कारण है? तुमने उसका खून किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शुक्रा रुको, शुक्रा। डॉक्टर, दवा लाए। ये लो। शुक्रा, ये कौन है? इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? इनको भी मार दिया? तुम सबको मारोगे। शुक्रा, और कितने लोगों को मारा है? तुम एक खूनी हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया। छे, तुम ऐसे इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमको लेकर मैंने कितने सपने देखे, सब टूट गए। तुम एक बदमाश हो, एक लोफर हो, तुम इंसान ही नहीं हो, जानवर हो, जानवर हो तुम। किस माँ ने जन्म दिया होगा तुमको? माँ के बारे में बात मत कर, वरना जान से मार दूंगा, जान ले लूंगा तेरी। आ चल। क्या बोल रही थी तू? बदमाश, लोफर, क्रिमिनल। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ जन्म लिया हूँ तुझे पता है क्या? इधर से, इस कचरे के डब्बे से उठाकर पाला गया है मुझे। मुझे कहानी, ओढ़नी आकाश है, धरती है बिस्तर, रोना नहाना है। परदेसी हो गया जग सारा, सो गया पानी ही खाना है। विपदा तो भगवान को बुलाते हैं, भगवान ही
उसको सुनाते हैं। माँ बाप का तो पता नहीं है, पाला बड़ा कोई किया, कैसे रचा तू कैसे लिखा तू संग मेरे क्या ये किया। रोड है अच्छा रहा क्या गलती हुआ क्या जीवन ये एक बोझ है। मजबूर क्यों किया गलती मेरी क्या है, ऐसी है दुनिया बाहर दुनिया बचा मेरा क्या है। इस समाज ने ही मुझे पापी बनाया है, सारे लोग मुझे गलत काम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर मैं ऐसा ही हूँ इसमें मेरी गलती क्या है? आधा रास्ता पार कर चुका हूँ, अब पीछे नहीं जा सकता। एक ना एक दिन मेरी मौत तय है, लेकिन इतने समय में जो अच्छे लोग तकलीफ में हैं उनको उस तकलीफ से बाहर निकालना यही मेरा फर्ज है। भगवान के लिए मुझे यह काम करने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कभी कहा था क्या? नहीं। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? तुम भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। शुक्रा रुको, शुक्रा रुको, तुम इतने अच्छे हो ये मुझे पता नहीं था। I'm very sorry शुक्रा। शुक्रा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात मैंने अपने मम्मी डैडी को भी बता चुकी हूँ, वो भी तैयार है। शुक्रा आई लव यू, आई लव यू शुक्रा। एक्सक्यूज मी, निर्मला देवी नाम का पेशेंट कौन से वार्ड में है? फर्स्ट फ्लोर वार्ड नंबर 3 में उनको रखा है। थैंक यू। निर्मला देवी जी। कमिश्नर साहब। हाँ मैं ही हूँ। कमिश्नर जी देखिए मेरी क्या हालत हो गई है, मेरा खून करने की कोई साजिश कर रहा है, वो कोई और नहीं है, मेरी पोती के केस से संबंधित व्यक्ति है। ठीक समय पर आकर मुझे अगर शुक्रा ने नहीं बचाया होता तो मेरी जान कब की चली जाती। मैं चुप नहीं रहूंगी, उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, आप लोग उनको गिरफ्तार कर लेना। आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, आपकी पोती मिल गई। क्या कहा, क्या कहा, मेरी पोती मिल गई है? मुझे उसको देखना है, मुझे लेके चलिए। आप तकलीफ मत कीजिए, मेरे साथ आइए, मैं लेकर चलता हूँ, आइए।
स्वाति, स्वाति कहाँ हो बेटी? मैं तुम्हारी दादी आई हूँ। आओ, किधर हो तुम? स्वाति आओ। सर, मेरी पोती कहाँ है? स्वाति इधर नजर नहीं आ रही है। बताइए सर, मेरी स्वाति कहाँ है? मुंह बंद कर। वो इस दुनिया में होगी तो तुम्हें दिखेगी ना। तुम्हारी पोती स्वाति अब नहीं है। हे भगवान, ये सब झूठ है। मेरी पोती नहीं मर सकी, वो जिंदा है। बताओ इंस्पेक्टर, वो कहाँ है? कहाँ है मेरी पोती? कहाँ है मेरी पोती, बताओ। ए, कब की मर चुकी तुम्हारी पोती को ढूंढते ढूंढते हम लोगों की क्यों टेंशन दे रही हो? तुम्हारी पोती गुम हो गई, ये कोई बड़ी बात है? हैं? क्या बात है? ए बुढ़िया, अब तुझे मैं ये बात बता रहा हूँ, सुन ले। ड्राइवर फिलिप रोज नई नई लड़कियां हम लोगों को सप्लाई करता था। वैसे ही एक लड़की लेकर आया था। वो तब इस बात का हमें पता नहीं था, तुम्हारी पोती है। मैंने और देवराज ने मिलकर तुम्हारी पोती का रेप कर दिया। ये बात छुपाने के लिए इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया। अब पता चल गया ना, क्या करेगी तू? मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। पापी, मेरी पोती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे बुड्ढी। मैं मार डालूंगी। मैं बुड्ढी। ए, कंप्लेन करेगी? आजा दिखाता हूँ तुझे। तुझे अगर छोड़ दिया तो तू हम पर भारी पड़ जाएगी, इसलिए तुम्हारी पोती के पास भेजने का इंतजाम कर दिया है, इसीलिए यहाँ ले आया हूँ। स्वाति स्वाति कह के चिल्लाने वाला गला बंद न किया तो ये केस बंद नहीं होगा। माजी, चुकरा, चुकरा, मेरी स्वाति के साथ अन्याय हो गया है। इन पापियों ने उसका बलात्कार करके उसे जान से मार दिया। शुक्रा, खुदा भी इसने बताया, इसने और देवराज ने मिलकर उसका रेप किया और उसे मार डाला। इनके टुकड़े टुकड़े कर डालो शुक्रा, मार डालो, मार डालो इनको। ए शुक्रा, तुम बीच में मत आओ, चुपचाप चले जाओ। एक लड़की की इज्जत बचाने के बजाय तुमने उसका अपमान किया है। तुम कौन हो मुझे ये अच्छी तरह से पता है। तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करके ही जाऊंगा मैं। शुक्रा, मुझे पहले ही डाउट था इसके ऊपर। इंस्पेक्टर, जाओ शुक्रा को गिरफ्तार करो, जाओ जल्दी। हाँ, अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैंने रिकॉर्ड कर लिया है,
मैं गिरफ्तार शुक्रा को नहीं तुमको करूंगा। मुझे गिरफ्तार करेगा? मुझे गिरफ्तार करेगा? एए। ऑन ड्यूटी पुलिस को मारने के लिए आते हो? यू आर अंडर अरेस्ट। कमिश्नर को खत्म कर दिया, मेरे साथ रहकर मुझसे ही गद्दार। माँ बाप का तो पता नहीं तुम्हें, कचरे के डिब्बे से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया मैंने। तुम एक भिखारी थे, सेंटीमेंट और रिश्तों के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। वो बुड्ढी उस इंस्पेक्टर को अभी अभी ये लवर ये सब सेंटीमेंट मुझे पसंद नहीं, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, फिर भी तुम सेंटीमेंट में फंस गए। तुम अगर बदल जाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमने मेरा संतुलन बिगाड़ दिया। मेरा मानसिक संतुलन मुझे अब वापस चाहिए। आज ये फैसला हो जाना चाहिए, या तो तुम या मैं। देखो शुक्रा, तुम्हें अपना धंधा चाहिए या ये खूबसूरत लड़की। आज ही फैसला हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपने धंधे में खून कर सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन तुमने एक निहत्थे आदमी को मारा है और एक मासूम लड़की का रेप करके उसका खून कर दिया है। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम जैसे दरिंदे आदमी का साथ मैं दूं? कभी नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम्हें ये लड़की चाहिए ना? जाओ उसके साथ अच्छी तरह जी लो, ले जाओ। प्रिया,
प्रिया! 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 शुक्रा, प्रिया, 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 लेकिन मैंने तुम्हें दूर कर दिया और अब जब तुम मेरे पास आई तो ये भगवान भगवान ने मुझसे तुम्हें छीन लिया, तुम्हें मुझसे छीन लिया। अकेली अकेली ही चली गई, अकेली ही चली गई, अकेली ही चली गई, अकेली ही चली गई, अकेली ही चली गई। हे भगवान, भगवान तुमने मेरे कर्मों की सजा इसको क्यों दिया, इसको क्यों दिया। प्रिया, शुक्रा अब तुम कहां जाओगे?